हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैं इस वीडियो में आपको जो घातांक से संबंधित जो प्रश्नावली या चैप्टर पढ़ाया था, जो आईटीआई की डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन का, उसके बाद जो भिन्न फ्रैक्शन स्टार्ट किए, तो फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें जो एलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम दोनों ही टाइप के इनमें क्वेश्चंस देखेंगे मिक्स। तो देखिए, इस प्रकार से हमको जो क्वेश्चन दिया होगा और इसे हमें किस प्रकार हल करना होगा, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.081 स्क्वायर माइनस 0.019 स्क्वायर बटे में 0.062, इस प्रकार हमको दिया है। तो हमें इसको किस प्रकार हल करना होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि कोई सर्वसमिका लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में आपको सर्वसमिका बता चुका हूँ और आप उनमें से देख के उन्हें याद कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमिका होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार हम माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में, 0.081 माइनस 0.019 माइनस में लिख दिए और अगली बार हम प्लस कर देंगे, 0.081 प्लस 0.01। ठीक, और वटे में जो लिखा है 0.062, ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनको एक बार घटाएंगे, 0.081 में से इसे घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 0.062 मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब इनको जोड़ूंगा 9 और 1 10, 0 8 और 1 9, फिर 10 1 हासिल, 0 में 0 जोड़ा 0 और 1 हासिल जोड़ा तो 1 पॉइंट अपॉन या बटे में 0.062 ये बचा हुआ है। इससे मैं इसे काटूंगा तो एक बार यहाँ पे मैं एक को इन सभी से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.100। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 और उसकी पावर 2x दिया हुआ है बराबर 256 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें जो किसी भी संख्या की घात की भी घात हो, किसी भी संख्या की घात की भी घात हो, तो हम संख्या घातों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 को x से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 2x। अब हमको हमेशा इनकी घातों के रूप में बनाना होगा, तो सबसे पहले घातों को बनाने के लिए क्या करूंगा, इसका गुणनखंड कर दूंगा। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा, 128, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 6 और 4, फिर 2 से 32, 32 और फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से इसी प्रकार 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया, ये 2 की घात 8 के रूप में। जब आधार समान है आधार समान होने पर घातों को बराबर कर देते हैं।
इधर घात 2x है और इधर घात कितनी है 8। एक्स का हमको मान चाहिए तो 2 कहाँ चले जाएगा, इसके बटे में चले जाएगा, 4/2 मतलब कितना हो गया 4, ये एक्स का मान हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे ए प्लस बी बराबर 9 और ए बी बराबर कितना 20 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा ये हमें याद करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमिका लगेगी, यदि क्यूब है तो क्यूब वाली सर्वसमिका लगेगी। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ए प्लस बी का हमको मान दे रखा है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको मान निकालना है, और प्लस 2ab का मान कितना है 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 81 - 40 मतलब हो गया 41 आंसर, ठीक है। हम फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार कि हमको ए प्लस बी बराबर 9 दिया हुआ है और ए बी बराबर 20 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है 2ab, ए प्लस बी का हमको मान दे रखा है तो ए प्लस बी की जगह रख देंगे, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमको निकालना है, प्लस 2ab, 2ab का मान हमको 20 दे रखा है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो इनको गुणा करो कितना हो जाएगा 40, इसका मान निकालोगे, पक्षांतरण कर देंगे, क्या कर देंगे पक्षांतरण, इसको 40 को मैं उधर भेजूंगा, दो दूसरी तरफ भेजूंगा, तो प्लस का माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, यदि ये प्लस का 40 उधर जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, 81 में से 40 गया तो 41 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब जो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो क्या बहुत सीधे होते हैं, लेकिन क्या है इनको देखने में काफी टेढ़े लगते हैं, तो देखिए अभी किस प्रकार हल हो जाएगा। आपको पता है कि यदि किसी संख्या की घात की भी घात दी हुई हो, घात की भी घात हो, तो घातों को गुणा कर देते हैं परस्पर, तो एक्स जिसकी घात 2 है, तो 2 के ए प्लस बी, फिर एक्स यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, कोष्टक बी प्लस सी एक्स, और एक्स के क्या हो जाएगा 2 × c प्लस ए, ठीक है। इसी प्रकार ये सभी की घात गुणा में किसके हैं 4 के, क्या हो जाएगा एक्स 4a एक्स 4b और एक्स 4c, ठीक है। आगे हम इसे हल करते हैं, एक्स को 2 को हम अंदर गुणा करेंगे, तो एक्स को 2 से अंदर गुणा करो, 2a प्लस
प्लस 2 को अब b से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2b कोष्टक गुणा का चिन्ह पॉइंट x, फिर वही 2 से हम अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2b प्लस 2 से x। इसी प्रकार हम 2 को c से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2c प्लस 2 को हम a से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2a। वटे में जो है वही लिख देंगे कितना हो जाएगा, x 4a, x 4b और x 4c। यहाँ पर देखेंगे हम x घातीय भी है, x घातीय भी है, x घातीय भी है, तो यदि घातें समान होने पर घातों को जोड़ देते हैं, घात समान होने पर घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो घात इसके सभी की x की घात के रूप में सभी घातों को जोड़ देंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c और प्लस 2a। इसी प्रकार जो बटे में लिखा उसे भी हम जोड़ देंगे क्योंकि आधार सभी का समान है, x 4a प्लस 4b और प्लस 4c। अब हल करेंगे, देखो 2a और प्लस 2a, 2a और 2a कितना हो जाएगा, 4a। दो बी प्लस 2b कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, प्लस 2c और 2c कितना हो जाएगा, 4c। बटे में इसके 4a 4b प्लस 4c, इनमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आंसर। ठीक है, अगला मैं सवाल देखता हूँ। पॉइंट अंडर रूट में 121 है, 1.21 है, माइनस अंडर रूट 0.011, तो इसको मैं कैसे हल करूंगा। 121, 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का, दो पॉइंट लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 1.1 माइनस। अब ये किसका होगा, 0.1 का, 0.1, 1.1 में से 0.1 गया कितना बच जाएगा, एक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके का जो सवाल होता है, 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इस प्रकार का जो सवाल होता है वो हर का परिमेयकरण करने पर होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण, करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा, प्लस है बीच में, माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस अंडर रूट 3। अब मैं नीचे की बात करता हूं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की सर्वसमिका क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमिका होती है। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे इस पर, ए का वर्ग मतलब अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे माइनस अंडर रूट 3 का भी वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 का वर्ग करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा 2, माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करूंगा तो 3 रह जाएगा। यहाँ पे मैं देखूंगा कि अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 रहेगा माइनस अंडर रूट 3, 2 में से माइनस 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का
एक, यहाँ से हम देखेंगे कि अंडर रूट दो का मान कितना होता है, 1.4 माइनस, और अंडर रूट थ्री का कितना होता है, 1.7, अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं माइनस का, एक कितना हो जाएगा 0.3 माइनस एक, और माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इसे हमें किस प्रकार हल करोगे, तो आपको पता है 4 दुनी 8, पहले तो हम जो मिश्रित भिन्न है उसे किस में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को हम पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, 4 दुनी 8, 8 और 3 11, 11/4 भाग का चिन्ह है, 3/5। आप ये तो जानते होंगे कि भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलते हैं तो अंश तो हर में हो जाता है और हर अंश में हो जाता है, संख्या को पलट देते हैं, 5/3। 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। 4 को 3 से गुणा करूंगा, 4 3 12, 12 का भाग दूंगा, 12 6 48, 55 में से 48 गए तो 7/ कितना, 4, ये आंसर हो गया। अच्छा, अभी इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसे हम किस प्रकार करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पी वाई क्यू के रूप में अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, पी वाई क्यू के रूप में इम्पोर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन। पी वाई क्यू के रूप में 1.27 बार बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, तो हम देखते हैं 1.27 बार। यदि हमें इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो पॉइंट से पहले एक है तो इसे एक पहले लगाएंगे और 27 के बाद 12 है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे डायरेक्ट हम इस प्रकार लिखेंगे, 27, और कितनी संख्याओं के ऊपर 12 है, तो यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर 12 है, तो हम क्या लिखेंगे।